विपिन, मैं माननीय मंत्री श्री ललन बाबू का कहलगांव की धरती पर अभिनंदन करता हूं। जिला उपाध्यक्ष माननीय रंजन सिंह का अभिनंदन करता हूं। प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय लक्ष्मी बाबू का अभिनंदन करता हूं। जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मिश्रा जी का अभिनंदन करता हूं। शंकर समाजवादी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महानगर अध्यक्ष माननीय बड़े भाई राजदीप राजा जी का अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्षा अंजू जी का, हमारे बीच है व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संजीव जायसवाल जी, हमारे बीच है पवन मिश्रा जी, हमारे बीच है कन्हाई मंडल जी। राजीव सिन्हा जी को मन संचालन का भार सपूत करता हूं। श्याम बिहारी सिन्हा जी माननीय मंत्री महोदय, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, जल संसाधन विकास मंत्री सहयोजना एवं विकास व भागलपुर के जिला प्रभारी मंत्री को देकर सम्मानित करेंगे। राजीव सिन्हा जी जो इस प्रखंड कार्यकर्ता सम्मेलन के मन संचालक हैं, वो मंत्री जी को बुके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। अब अधिकारियों को उनके टैंक दिलाया जाए ताकि यदि अनुमंडल स्तरीय में वो शिकायत का निवारण हो सके तो यहीं पर उनका समाधान हो जाए। दूसरे कड़ी में तो थाना में उनके साथ मैं अपने वाणी को ग्राम देते हुए जय जगजीवन रूप से कार्य कर रहे हैं। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन स्वामी को देता हूँ, उनके साथ उपाध्यक्ष श्री रंजन प्रसाद सिंह को देता हूँ, उनके साथ श्री चंद्रशेखर मिश्रा जी को देता हूँ। इस पर काम हो सके। अब मैं विशेष बात और एक रखना चाहूंगा, कार्यकर्ता हमारे पंचायत से आते हैं, प्रखंड में हमें आवेदन देते हैं कि भैया मेरा इस पंचायत में ये काम अधूरा पड़ा हुआ है, ये समस्याएं हैं। जब हम प्रखंड अध्यक्ष मदद नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम कुछ नहीं है। जब मैं अपनी समस्या को प्रखंड से जिला लेकर जाता हूं, हमारे जिला अध्यक्ष कुछ मदद करते हैं और किसी के समस्याओं का समाधान करा देते हैं, तभी हमको महसूस होता है कि हमने कुछ प्रखंड का काम करवाया। लेकिन हम प्रखंड स्तर पर किसी भी वार्ड सदस्य एवं पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्य कराने में सक्षम नहीं है, इसका कारण आप समझ रहे हैं। माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा इन सारी बातों पर विशेष ध्यान देते हुए इन सब पर विशेष कार्रवाई करने की कृपा करना। जय हिंद, जय जनता दल यू, जय भारत। साथियों, आज का ये महासम्मेलन महासम्मेलन प्रखंड का कहना चाहिए हमको कि प्रखंड के स्तर पर यह भीड़ कार्यकर्ताओं और समर्थकों का कहानी
बोल रहा है, कहानी बता रहा है। आप आए हैं माननीय मंत्री को सुनने के। मेरा मानना है जन विश्वास विश्वास रह सकती है कार्यकर्ता अपने नेता पर, नेता के नियत पर और संगठन पर जन विश्वास करें। डिगे नहीं, किसी के कहने पर डिगे नहीं। कार्यकर्ता का ये अपना चरित्र होता है। इसलिए दोस्तों ये कार्यकर्ता सम्मेलन माननीय नीतीश कुमार का दृढ़ निश्चय संकल्प जो है, सात निश्चय, बहुत सा मुख्यमंत्री आए और गए, वादा कर पर वादा होता था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संकल्प लिए, संकल्प लिए कि हम सात निश्चय करते हैं। ये सात निश्चय बिहार के आम के लिए है, आम जनता के लिए है। घर घर नल, शुद्ध पानी, कहावत है कि जो पंथाला खोल करके थोड़ा पानी पिलाता है स्वर्ग जाता। हमारे मुख्यमंत्री पूरे बिहार में शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और यह शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचाया जाएगा, जहां नहीं गया वहां जाएगा, यह निश्चय है। सरकार का काम करते हुए, जनता का काम करते हुए इन्होंने संकल्प किया बिहार में शराब बंदी करेंगे, शराब से गरीबों का बहुत बड़ा हानि होता है, इसलिए शराब नहीं बेचने देंगे, शराब बंद करेंगे। आज दोस्तों पर नहीं हल्ला कर नजर आता है, और जो नजर आता है वो कहाँ जाता है, बॉम्बे घिर में जाता है। शराब ही घर में डुबक गया है। लोग कहता है कि जहां तहां बिकता है, आपकी कमी है, आपकी कमजोरी है, जहां तहां बिकता है। सरकार की कमजोरी नहीं है, आपके पास मोबाइल है, गांव में शराब बनता है या शराब पीता है, आप थाना को चुपचाप बता दें कि फलना। ऐसे सब कुरीति को समाप्त करने के लिए आपकी आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, पढ़े लिखे नौजवान की आवश्यकता। नौजवान समझो, दहेज बहु लो, पैसा नहीं। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत सारे नेता लोग हैं और अपनी बातों को रखे। चर्चा कर रही कहलगांव प्रखंड के अध्यक्ष दिवाकर सिन्हा जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान बिहार के जल संसाधन मंत्री एवं भागलपुर के विकास प्रभारी राजीव रंजन सिंह और जिसे हम लोग गगन सिंह के नाम से जानते हैं, मंच पर विराजमान प्रखंड के कार्यकर्तागण भाइयों उपस्थित इस सम्मेलन में, भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे टीम एवं इलेक्ट्रिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, बिहार में 2005 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी और आज तक बिहार में न्याय के साथ समावेशी विकास चल रहा है। और आप देखेंगे कि 2015 में सरकार के बनने के बाद जो सरकार ने विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के काम किए हैं, वह 5 काम महत्वपूर्ण काम ये है। आप देखेंगे कि उसने लोक शिकायत निवारण अधिकार 2015 दिया है, जिससे
समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, भ्रष्टाचार है, उसको हम लोग उस माध्यम से लोक शिकायत के बारे केंद्र जाकर के चाहे पर युवा जिला या अनुमंडल में जाकर के उसको दूर करा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ, सात निश्चय मुख्यमंत्री का, जो सात निश्चय है वह एक ऐसा निश्चय है, अगर आप उसको देखेंगे तो बिहार में एक भी ऐसा काम नहीं है जो कि बाकी है। सभी काम उस सात निश्चय के द्वारा हो सकता हो, युवाओं के प्रति हो, उस सात निश्चय में सभी तरीका का काम चल रहा है। आप जो हो गया, आप तीसरा काम देखेंगे, आप जो होता है दायित्व होता है, क्योंकि हम लोग एक सेतु का काम करेंगे और जो क्या की समस्या है वह सरकार को पहुंचाएंगे, और सरकार जो कर रही है, जो यहाँ पास जब 15 के बाद जो यहाँ पास काम किया है, यह अगर निश्चित रूप से हम लोग जनमानस में प्रत्येक जनता के बीच पहुंचा देंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम लोग पुनः बिहार में ही नहीं, या जो केंद्र में सरकार करने वाली है उसमें जनता की बहुत भागीदारी होगी। इसलिए आज हम लोग आए हैं यही निवेदन करने के लिए, यह जो पांचों है, इस पांचों कार्ड को हम लोग जो सरकार द्वारा चलाया हुआ है, इस कार्ड को जनता तक पहुंचाएंगे, और इसी के संकल्प के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप संकल्प लीजिए। आपके नेता माननीय मुख्यमंत्री संकल्प कौन है, उन्होंने जो आज तक संकल्प लिया है उस संकल्प को आप देख रहे हैं कि उन्होंने भूला क्या है। उन्होंने संकल्प लिया, चुनाव के पहले संकल्प किया था सात निश्चय का, और वह सात निश्चय आपको पूरा हो रहा है, जमीन पर धरातल पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने चुनाव के पहले ही एक सभा में कहा था ये शराबबंदी के बारे में, और शराबबंदी भी आज लागू है, लागू है, और माननीय मुख्यमंत्री का क्या एक निश्चित है कि कभी भी यह छूटने वाला नहीं है यह शराबबंदी, और आज देख रहे हैं वह शराबबंदी से कितना फायदा है, समाज का माहौल बदला है, और जो जनता का सामने आप कहें जो या तो सब्जी के मार्केट में रहता है या फल के मार्केट में रहता है और फल खरीदता है, और वह जब घर लौटता था तो स्वामी उनके घर में कोई हाल मचता था, लड़ाई झगड़ा होता था, इसका असर उनके परिवार पर पड़ता था। इसलिए भाइयों एवं बहनों, मैं आपका भी समय नहीं लेना चाहता हूँ, जो आपका यह जो करके कार्यक्रम है पांचों, चाहे वह दहेज हो चाहे वह बाल विवाह हो, इस पर निश्चित रूप से आप प्रचार करेंगे, और आपको याद है आप स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के जयंती पर भी आप इसने आपने संकल्प ले लिया है पांचों तरह का बारे में, इसलिए हमको पूरा करेंगे। और अंत में क्योंकि आपके नेता सबके विचार को, चाहे वह गांधी जी हो, चाहे वह लोहिया हो, चाहे वह जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति हो, चाहे लोहिया का सब क्रांति हो, चाहे वह अम्बेडकर हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, सभी के विचारों को लेकर कर रहे हैं। और जयप्रकाश नारायण ने भी कहा था, जात पात तोड़ दो, तिरंग दहेज छोड़ दो, समाज की प्रभाव को नई दिशा में मोड़ दो, आइए नई दिशा में मोड़ दो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तशरीफ लाइए और अपनी बातों को रखिए। चंद्रशेखर मिश्रा जी, आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे मंच पर बसते बिहार के माननीय जल संसाधन मंत्री सह प्रभारी मंत्री भागलपुर श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जी एवं मंचासी और प्रसाद व्यवस्थित तमाम जदयू कार्यकर्ता, आज हम लोगों के लिए बहुत गौरव का दिन है। प्रसाद में उपस्थित भीड़ यह दर्शा रही है कि पूरे बिहार में, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भी कार्य किया है
वह कार्य बिहार के विकास के लिए किया है, बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और अपने परिवार के बाल बच्चों और सगे संबंधियों के सुख सुविधा के लिए करते थे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता का उपभोग नहीं किया, माननीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता का उपयोग किया। उन्होंने दिखलाया कि सत्ता उपभोग की नहीं उपयोग की वस्तु होती है, और उन्होंने सत्ता का उपयोग किसके लिए किया? उन्होंने सत्ता का उपयोग किया बिहार के नौजवानों को रोजगार देने के लिए। जिस बिहार को लोग हंसी का पात्र समझते थे, चलता है पश्चिम पर कोई पश्चिम बनाता है, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता नगर जिंदाबाद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं और बाकी हमारे प्रभारी मंत्री महोदय आपको उनके बारे में बताएंगे। मैं अपने छात्र जीवन में समाजवादी विचारधाराओं से बहुत प्रेरित था। मैं हमेशा उस चीजों को देखा हूं और झेला हूं जो कि निचले तबके लोगों के बीच परेशानियां होती है, तो लगा कि जब हम भी बड़े होंगे तो हम भी किसी महान नेता के अनुयायी बनेंगे, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति हुई जब गुलामी के परिवेश को हम लोगों ने खत्म किया, सब मिलकर लड़ा हमारे पूर्वजों ने, फिर एक नई विचारधारा जन्म हुई दो वर्गों के, तो उसमें एक वर्ग हम लोग थे जिसमें माननीय नीतीश कुमार के छात्र आंदोलन के बाद से पूरे देश में क्रांति आई, बिहार में क्रांति आई, मनोके अयोध्या में एक नई सरकार का गठन हुआ और आप लोगों ने बनाया। नीतीश कुमार जी एक विचार है, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग स्वतंत्र है अपने विचारों को समझने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए। इसलिए इस देश में सभी अनुयायी, सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं, और ये एक ऐसी पार्टी है जो किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। मैं इन बातों को संक्षेपण में कहूंगा, ये किसी विशेष जाति की पार्टी नहीं है, ये पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलता है और उनको उचित समय पे उन्हें हक मिलता है। हम लोग नीतीश कुमार जी के विचारों से इतने प्रभावित थे, सुनते थे, तो आज हमने अपने जीवन में एक संकल्प लिया है। मैं आपको पूर्ण रूप से ये विश्वास दिलाता हूँ सर कि मेरा जीवन आपके लिए समर्पण रहेगा। उन्होंने जो किया है वो आपके सामने है, जो करेंगे वो भी दिखेगा। आम जीवन में जितनी परेशानियां हमारे बहनों माताओं को झेलना पड़ा है, अगर उसको स्वरूप दिया है तो माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया है। मुझे भी यह सम्मान इसलिए मिला कि मैं एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में झंडा लेके गली गली में लगाया, पोस्टरें साटे, उसके बाद मेरे में निखार आई और मैं आज यहाँ महानगर का अध्यक्ष बना और इसका अवार्ड मिला गया। मेरे बिहार के 65% आबादी युवाओं का है। हम सभी पन्नों युवाओं से ये अनुरोध करेंगे कि हम संगठन को मजबूत करें, संगठन हमारी रीढ़ है और हम नेताएं नहीं है, हम आपके प्रतिनिधि हैं। आपकी बातें हमारे पास आएगी, हम आपकी बातों को वहां तक पहुंचाएंगे। समाज में समानताएं का अधिकार मिला मुझे, बिहारियों को गर्व से बोलने का अधिकार मिला, माँ बहनों को खेते में जाने नहीं मिले, बच्चियों को स्कूल छोड़ जाने में साइकिल पोशाक सारे चीजें मिले, तो इससे सभी हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं, आगे भी और मिले। तो हमारा मूल ये कार्यकर्ता सम्मेलन, ये सक्रिय सदस्य जो हम लोगों ने बनाया था, ये जिला स्तर पे हुआ, फिर इसको प्रदेश स्तर पे बुलाया गया, उसको प्रशिक्षण दिया गया कि हमें जाके प्रखंड में, पंचायत में, वार्ड में, विधानसभा में अपने सरकार की जो नीतियां हैं
उनको सुचारू रूप से संगठित करके लोगों के पास रखे, उसके लिए ये प्रखंड उत्साहित हो के जो काम है आपने सक्रिय सदस्य बनाने के लिए किया था वो सामने दिख रही है। हम बिना मनोरंजन करेंगे आप लोगों से, किसी के बहकावे में किसी की जागरूकता में नहीं आनी है। हम अपने नेताओं को इतना मजबूत करें कि वो अपने कार्यकर्ताओं पर गर्वान्वित महसूस करें और उनके लिए हम कार्य करें। हम लोग गांधी जी का नाम लेते हैं, राजा राम मोहन राय का नाम लेते हैं, ईश्वर चंद्र विद्या सागर जी का नाम लेते हैं, जिस पर विजय सिंह सागर जी ने विवाहों का विरोध किया था, उनका एक ही पुत्र था और उन्होंने भी अपने पुत्र का भारतीयों को खतरा नहीं होगा तुम्हें को खतरा नहीं होगा। तो उसी तरह माननीय नीतीश कुमार जी के हम लोग अनुयायी बने, एक धर्म है, उनके शिष्टाचारों को अपना संगठन को मजबूत करें। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कई बार मैं माननीय रंजन सिंह जी बड़े भाई को कहना चाहता हूँ, हमेशा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमेशा कहलगांव के लिए कर्मठता से उन्होंने काम किया, अपने कार्यकर्ताओं से हमेशा मिलता जुलता रहा। आज तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो कंटिन्यू 3 दिन कहलगांव आप लोग के बीच आए, उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद दिवाकर जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मैंने जो कार्यक्रम आयोजित किया सफलतापूर्वक अपने मान सम्मान जो कार्यकर्ताओं को दिया उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और बात है कि हमें मजबूत जिला अध्यक्ष मिला है, वो हमेशा 24 घंटा काम करते हैं, इसलिए थोड़ी सी तकलीफें होती है मगर उसको हम लोग आपसी मनभेद से हटा के एकजुट होकर काम करें। जय नीतीश कुमार, जय बिहार, ललन बाबू जिंदाबाद। सुनना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि सर मुझे 1 मिनट का सिलसिला दीजिए, जो बात दिल में है हम भी दो बात रख के आपसे इजाजत लेंगे। भाइयों और बहनों, इसमें कहीं पर दो राय की बात नहीं है, जनता दल यूनाइटेड एक अलग सोच की पार्टी है, हम औरों से डिफरेंट है, हमारी सोच अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी कल्पनाएं। और मैं इन बातों के साथ मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय ले लूं, बस भाई अपनी सोच और अपने शहर को बदलने की जरूरत है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सपना है हर कुर्बानी देकर उसको साकार करने की जरूरत है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। अब मैं वो शख्सियत जो बेकरार है आप जिनको सुनने के लिए, उनको माइक देने से पहले प्रखंड कहलगांव की तरफ से जिला और प्रखंड जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उनका माल्यार्पण होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का।